अग्रणी थिएटर प्रोडक्शन कंपनी फेलिसिटी थिएटर जबरदस्त मनोरंजन नाटक हेलो जिंदगी प्रस्तुत करवा माटे सज्ज बनी छे। त्यारे आ नाटक मां अभिनय करनार टीम ना कलाकारो अमदावाद ना मेहमान बन्या हता। હાસ્યથી ભરપૂર એવું મનોરંજક નાટક હેલો જિંદગી પ્રસ્તુત કરવા માટે નાટકમાં અભિનય કરનાર ટીમના કલાકારો અમદાવાદના મહેમાન બન્યા હતા અને આ નાટકને ટેલિવિઝનની પ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી સ્મિતા બંસલ દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે અને ફિલ્મ ટેલિવિઝન અને થિયેટરના જાણીતા નિર્દેશક રમણ કુમાર દ્વારા નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું છે। ફિલ્મ અને ટેલિવિઝનની દુનિયાથી પાંચ પ્રખર અભિનેત્રીઓ મિનિષા લાંબા, ક્રિસ્ટર મર્ચન્ટ, ડેલના ઝીરાની, ગુડ્ડી મારુતિ અને ચિત્રાશી રાવતવાળી આ શક્તિશાળી કાસ્ટથી સજીલ પ્રસ્તુતિ હેલો જિંદગી અમદાવાદમાં પ્રથમવાર 10 માર્ચ 2019 રોજ પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ઓડિટોરિયમમાં રાત્રે 9 કલાકે પ્રસ્તુતિ કરી પોતાના દર્શકોનું દિલ જીતવા માટે સજ્જ બન્યું છે। ખૂબ જ કુશળતાથી રચવામાં આવેલ થિયેટ્રિકલ ડ્રામા વિભિન્ન પૃષ્ઠભૂમિઓ અને વિશેષતાઓવાળી પાંચ મહિલાઓની આસપાસ ફરે છે જે મુંબઈમાં એક પોષ ફ્લેટમાં એક સાથે રહે છે। પોતાના સંમોહનમાં સંપૂર્ણ રીતે બાંધી દેનાર એક શાનદાર ડ્રામા માટે તૈયાર થઈ જાઓ, કારણ કે આ દમદાર તેજ તરાર મહિલાઓ તમને સાજીશ, કોમેડી, અસમંજસ અને ભાવનાઓના અપડાઉનવાળા એક અવિસ્મરણીય સફર પર લઈ જવા માટે તૈયાર બન્યા છે। આ નાટકના નિર્દેશક શ્રી રમણ કુમાર દ્વારા ઉપરવાળાએ જિંદગીને ખૂબ જ સુંદર બનાવી છે, પરંતુ આપણે જ ખુદ પોતાના માટે સમસ્યા ઊભી કરી લઈએ છીએ। આનાથી કષ્ટ અને સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે। જિંદગીમાં કોઈ શોર્ટકટ હોતા નથી। તમારી જિંદગી એટલી સરળ હશે તેટલી જ વધારે ખુશીઓથી ભરેલ હશે તે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। નિર્માણ ગુણવત્તા, બેજોડ પ્રભાવશાળી પટકથા અને પ્રતિભા સંપન્ન અભિનેત્રીઓ દ્વારા શાનદાર અભિનયનું પ્રદર્શન દર્શકોને અંતિમ ક્ષણ સુધી તેમની સીટ પર બેસી રાખવા માટે પર્યાપ્ત છે। હેલો જિંદગીમાં થિયેટરની પ્રખરતા અને સર્વોત્તમ સ્તર પર જોવા મળશે, જ્યાં ઉર્જાથી ભરપૂર આ પ્રખર મહિલાઓ અને વાસ્તવિક જીવનમાંથી ઉઠાવવામાં આવેલ વાર્તાઓ સંપૂર્ણ પ્રસ્તુતિ દરમિયાન તમને મંત્રમુગ્ધ કરી રાખશે તે અમારું વચન છે। जाती है लेकिन एक बहुत ही लाइट हार्टेड मैनर। मैं एक बहू का किरदार दिखाती हूँ जो पपुला की बहू है और इनका सिचुएशन बहुत यूनिक है क्योंकि ये वो घर है जहाँ माँ अपनी बेटी को घर से निकाल के उसने अपने बहू को घर में रखा है अपने अपने साथ। ये इनकी जो जोड़ी है, आचार्य वीरू की जोड़ी है जो चाहते हैं बहुत बहुत मजाकी सिचुएशन में। पर दर्शकों को संदेश ये है कि जिंदगी में जो भी होए आपको तो जिंदगी में चुनौती तो होने ही वाली है, बदलाव होने वाले हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो हमेशा जैसे बोलते हैं कि ग्लास हाफ फुल, ग्लास को दस पानी आप उसको आधा कम पानी हो या आधा भरा पानी, अगर आप आधा ग्लास का पानी भी कर बहुत अच्छा रहा एंड मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने ये प्ले लिया। मैं तो जिंदगी भर एक अफसोस रह जाता कि मैंने थिएटर कभी किया नहीं, बिकॉज आई हैड दिस मेंटल ब्लॉक कि मैं नहीं कर पाऊंगी, एक दर्द था मुझे। बट अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये किया तो इतने पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं एंड जिसका मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था एंड मैंने बस बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने राकेश बेदी जी की बात सुनी, रमन जी की बात सुनी। रमन जी ने मैं बहुत फोर्स किया और फिर इतने प्यारे लोग हैं डल्ला, विश्वेश्वर, मिनिशा एंड एवरी बडी। माय नेम इज चिंटू। चिंटू मैं चिंटू बोलना, मैं चिंटू बोलने वाली थी पर नाम गलत है। चिंटू मेरा प्रॉब्लम ही है, मैं सबका नाम बहुत परेशान कर रही है, परेशान कर रही है चिंटू। वेरी सबसे ज्यादा कौन परेशान कर, सबसे ज्यादा परेशान कौन था? सबसे ज्यादा हाई मेंटेनेंस की रहते हैं, वो तो वीडियो बनाती रहती है। ये हमारे
मैं हूँ यलना जिरानी जो बकुला का किरदार निभा रही हूँ, बकुला सिसोदिया में, गुजराती अहमदाबाद की टॉप बिजनेस वुमन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये है हमारी गुड्डी मारुति जी जो पहली बार स्टेज कर रही है एंड बहुत अच्छा रोल है उनका, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ये है हमारी विजया दी का कैरेक्टर, बिंगौली है, सचनी सवर दी है, बहुत खूबसूरत लगती है स्टेज पे। ये हमारी हीरोइन जो है वो मिनीषा लाफा, आपने इन्हें फिल्मों में तो बहुत देखा होगा, बहुत खूबसूरत है स्टेज पे भी एकदम खूबसूरत लगती है। और ये मेरी बहू पम्मी का रोल प्ले कर रही है। हमारी ये है चित्राशि रावत, इनको भी आपने फिल्मों में देखा, एंड ये शिवानी का रोल प्ले कर रही है। एंड प्रोडक्शन बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत धमाकेदार एंट्री है उनकी। आप अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत रिवील कर दूँगी इनके कैरेक्टर के बारे में, तो आप लोग देखें। और ये हमारी खूबसूरती कीश्वर मर्चेंट जो शीना का रोल प्ले कर रही है हमारे प्ले में, इनके इनकी कहानी तो मैं बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर लोगों को स्टोरी का मज़ा लेना है, हमारे प्ले का मज़ा लेना है, तो इनका कैरेक्टर जब आएगा तभी। आई थिंक ईश्वर ने, मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, फिल्में भी की हैं, लेकिन इस प्ले में जो इन्होंने काम किया है, आई थिंक इतने साल में ऐसा काम नहीं किया है ईश्वर ने। तो प्लीज़ ये सब इसलिए क्योंकि दिल्ली हमारे साथ। कैमरामैन दर्शन साथे संजीव कुमार राजपूत, एनएस गुजरात न्यूज़ अहमदाबाद।